सनातन धर्म यात्रा के तहत आयोजित हो रही श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आज शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान 600 से अधिक महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली, जिसके बाद यज्ञ का आयोजन हुआ। इस मौके पर कथावाचक संतोष सागर जी महाराज द्वारा भक्तों को कथा का रसपान कराया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम के बाद विभिन्न विद्यालयों में जाकर भागवत गीता का वितरण किया जाएगा। कथा का आयोजन 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक कर्णिका सदन में किया जाएगा। आज 4 तारीख को प्रातः 10:15 बजे कलश यात्रा का कार्यक्रम था। कलश यात्रा में यहाँ पर हमने 600 कूपन वितरण करे थे। 600 कूपन से भी अधिक महिलाओं ने कलश यात्रा में भागीदारी की और स्वेच्छा से सब ने एक कलर में चुंदड़ी कलर के अंदर उस कलश यात्रा के अंदर भागीदारी की। कलश यात्रा के पश्चात हमारे संतोष सागर जी महाराज, जो पूरे राजस्थान में ये 25वां पड़ाव है, इस 25वें पड़ाव में 4 तारीख से 10 तारीख तक यहाँ भागवत कथा का कार्यक्रम रहेगा। उसमें कथा वाचन रहेगी। सुबह आज हवन यजमान के साथ में हवन पाठ पूजा हुई, उसके बाद में कल से सुबह हवन पाठ पूजा होगी। उसके पश्चात 9 बजे से 11 बजे के बीच अनेक स्कूलों में जाकर 9th क्लास स्टैंडर्ड से ऊपर वाले स्टैंडर्ड में भगवत गीता का वितरण किया जाएगा। मैं ये कह सकता हूँ, ये ऐसी ऐतिहासिक कथा है जिसमें आने वाली पीढ़ी के लिए दिशा निर्देश देने के लिए, आने वाली पीढ़ी का उद्धार करने के लिए, और चूंकि आज ये मान के चलिए पूरे संसार में 150 से अधिक देशों में भगवत गीता का मैनेजमेंट माना जाता है, और आज हमारे प्रधानमंत्री जी भी अगर किसी देश में जाते हैं तो भगवत गीता का उनको गिफ्ट देते हैं, उनको हमारी भारत माता की स्मृति उनको देते हैं। तो भगवत गीता का बहुत बड़ा महत्व है। भगवत गीता में रोग निरोगी होते हैं, संस्कार आते हैं, और भगवत गीता के माध्यम से हमारी आने वाली जनरेशन एक युग सुधरेगा। उस दृष्टि से परम सम्माननीय पूजनीय संतोष सागर जी महाराज ने जो बीड़ा उठाया है, उस बीड़ा में 25वीं आज यहाँ पर कथा का कार्यक्रम हो रहा है, और इस कार्यक्रम में केशव माधव परमार्थ मंडल के सदस्य और यहाँ की समिति ने मिलकर ये आयोजन किया है। ये जन जन का आयोजन है, व्यक्ति विशेष का कोई आयोजन नहीं है। इस आयोजन में मेरी ओर से अपील है कि इस पूरे अजमेर से जो भी व्यक्ति कथा सुनना चाहते हैं वो जरूर पधारें, इसका लाभ लें, और भगवत गीता का जो श्रवण करके अपने आप का भी उद्धार करें, अपने परिवार का उद्धार करें, और बहुत बहुत सब परिवार और अजमेर के हित में यहाँ का जो वातावरण होगा 7 दिन का, वो ऐतिहासिक होगा। आ रहे हैं राजस्थान विधानसभा 2023 चुनाव। चुनाव में भी रह गया 1 वर्ष से कम समय, कौन होगा विधायक उम्मीदवार? स्वामी न्यूज़ कर रहा है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा सर्वे। राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र में कौन कर रहा है तैयारी, बताएंगे आप और उस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाली जनता, जिससे आपके विधानसभा का क्षेत्र का हो विकास। 1 दिसंबर से जयपुर संभाग, रोजाना 2 विधानसभा, दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे। स्वामी न्यूज़ के फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव देखें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और बताएं कौन सी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं आप, कौन है संभावित उम्मीदवार, कौन सी पार्टी से लगता है वो संबंध, जानकारी साझा करें। प्रारंभ कर रहे हैं हम अब जयपुर संभाग। यदि छूट गया आपका विधानसभा क्षेत्र, यदि आप उसे नहीं रह पाए लाइव, तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप उसके कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विधानसभा की जानकारी अवश्य डालें। ये जानकारी आप हमारे व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9829010448। देखना ना भूलें दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे।